बिना किसी पहचान पत्र के 2000 रुपए के करेंसी नोट बदले जाने से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक की अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली बीजेपी नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। जज ने पूछा कि आप दोबारा कैसे आ गए। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की सुप्रीम कोर्ट की एक अवकाश पीठ ने अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी है। लाइव लो की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिवक्ता उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अपनी जनहित याचिका को खारिज किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और मांग की थी कि केवल उचित पहचान पत्र के साथ ही 2000 रुपए के करेंसी नोट बदलने की अनुमति दी जाए। उपाध्याय ने याचिका को अर्जेंट बताते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की थी। इस पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने हस्तक्षेप करते हुए पूछा, क्या पहले भी इस याचिका को कोर्ट के सामने पेश किया जा चुका है। इस पर उपाध्याय ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन उस वक्त कई खामियां थी, हमने अब खामियां दूर कर दी हैं। दरअसल 1 जून 2023 को अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के अवकाश पीठ के समक्ष इसी मामले का जिक्र किया था, जिसमें जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस केवी विश्वनाथन शामिल थे। पीठ ने यह कहते हुए उसे तत्काल सुनवाई पर विचार करने से इनकार कर दिया था कि वो छुट्टियों के दौरान इस तरह के मामलों को नहीं देखेंगे। पीठ ने उपाध्याय को गर्मियों की छुट्टियों के बाद शीर्ष अदालत के फिर से शुरू होने पर मामले का उल्लेख करने की अनुमति दी थी, लेकिन उपाध्याय एक हफ्ते के अंदर दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उपाध्याय के जवाब पर जस्टिस राजेश बिंदल ने भड़कते हुए टिप्पणी की, जब निर्देश दिया गया था कि अदालत फिर से खुलने के बाद इसका उल्लेख किया जाना चाहिए, तो आप दोबारा फिर वही केस लेकर कैसे आ गए। जस्टिस बिंदल ने कहा, अदालत के फिर से खुलने के बाद आप इसका दोबारा उल्लेख करें, आप एक अलग बेंच में इस तरह दोबारा नहीं आ सकते हैं। इसके बावजूद अधिवक्ता उपाध्याय ने मामले की तात्कालिकता पर अपनी दलीलें जारी रखी और कहा, समस्या ये है कि पैसे की जमाखोरी गैंगस्टरों द्वारा की जा रही है। माओवादी, आतंकवादी और अलगाववादी पैसे का आदान प्रदान कर रहे हैं। मेरे रिपोर्टों में कहा गया है कि 80,000 करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ है। इस पर जस्टिस बोस ने कहा कि वो रजिस्ट्री से इस बारे में रिपोर्ट मांग रहे हैं। हालांकि जज साहब ने उपाध्याय को शुक्रवार को फिर से मामले को मेंशन करने को कहा है।